और आगे एक बात इस हुकूमत की बताना चाहूँ कि ये जो हेल्थ कार्ड का शोशा छोड़ा जा रहा है, ये ज़रा अगर आप हकीकत इसकी जानना चाहते हैं तो अब्दुल कादिर पटेल जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है उनकी ज़रा तकरीर सुने जो उन्होंने की है, उसमें आपको हेल्थ कार्ड की हकीकत का पता चल जाएगा। इस हेल्थ कार्ड के अंदर एक तो ये मेंशन करते हैं कि सेकेंडरी केयर कवरेज के लिए 60,000 पर ईयर मिल जाएंगे। ये सेकेंडरी केयर कवरेज है क्या, ज़रा बताइए आवाम को। उसके बाद कवरेज फॉर मेजर प्रायोरिटी डिजीजेज, व्हाट यू मीन बाय प्रायोरिटी डिजीजेज, आप क्वांटिटी क्या कैसे आप प्रायोरिटी डिजीज कौन कौन से हैं ज़रा लोगों को तो बताओ, कि उनके मद में 4 लाख दिए जाएंगे। ये जो 10 लाख का शोशा है ये झूठ है, ये झूठ है और झूठ का पलंदा है। 10 लाख किस लिए, द कवरेज कुड बी एक्सटेंडेड अप टू 10 लैक्स अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल सर्कमस्टांसेस, आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले, आपने किससे पूछ के स्पेशल सर्कमस्टांसेस, उनमें तब जाके कोई 10 लाख आपको दिए जाए। लेकिन ये बिल्कुल झूठ का पलंदा है। हकीकत जानना चाहते हो केपी के जाओ, सिंध गवर्नमेंट ने इसको टोटली रिजेक्ट किया। उसने कहा कि ये जो पैसा यहाँ पे लगेगा ये पैसा उन आवाम की टैक्सों से जो हॉस्पिटल्स पे लगने चाहिए थे, जो हेल्थ पे लगने चाहिए थे, उनको ला के ये हेल्थ कार्ड की नज़र कर रहे हैं। उसके अलावा हेल्थ कार्ड आपके बहुत सारे डिजीज़ को कवर नहीं करता, दांतों की जितनी बीमारियाँ हैं, डेंटल डिजीज़ को, उसकी कोई कवरेज नहीं है। ओपीडी में जितनी रोज़ाना मरा की बीमारियां हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको टेस्ट लिख के देता है ताकि तशखीस हो, इस वक्त तक कोई कवरेज नहीं है। और हाँ, अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन सर्जरी होती है, आप हॉस्पिटलाइजेशन होती है सर्जरी में, एक दिन सर्जरी से पहले और 5 दिन सर्जरी के बाद, उसके अलावा अगर 6/6 दिन की ज़रूरत पड़ी, अगर 10 दिन की ज़रूरत पड़ी, उसकी कोई कवरेज नहीं है इस हेल्थ कार्ड के अंदर। अगर आप खेल कूद के दौरान स्पोर्ट्स इंजरीज में आपकी टांग टूटती है, हाथ निकलता है, पट्टे टूटते हैं, उसकी कोई कवरेज नहीं है। मेंटल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, चाहे एनजाइटी डिप्रेशन, इन पर कोई कवरेज नहीं है। अगर इसकी हकायक जानना चाहते हो, और मेजर ये जो कैंसर है, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, इनकी कोई कवरेज नहीं है। ये झूठ का एक पलंदा है, ये फेल हो चुका है। अब इसकी नाकामी, जिस दिन ये पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म होगी, मरकजी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, फिर इसके स्टोरीज आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। आज भी केपीके के लोग रो रहे हैं कि एक पेशेंट अगर उसकी सर्जरी की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है तो ये इंश्योरेंस कंपनीज कहती हैं कि वी कैन नॉट फर्दर अफोर्ड दिस सर्जरी। और उसके अलावा अगर कोई महंगी सर्जरी होती है, कोई महंगे इम्प्लांट्स यूज होते हैं, स्पेशली स्पाइन सर्जरी के अंदर, ये लोग यहाँ पे शोशा डाल रहे हैं कि आप आगा खान, लियाकत नेशनल और साउथ सिटी में जाके इलाज करवा सकते हैं। अभी मैं इनको ओपन कैमरा चैलेंज करता हूँ, या अभी आप में से कोई बंदा कॉल कर ले आगा खान लियाकत नेशनल वालों से, पूछ ले कि आप हेल्थ कार्ड को सर्व करोगे कि नहीं करोगे। ये सिर्फ झूठ का पलंदा है। तो अभी तक ये हुकूमत झूठ पे झूठ, कमेटी पे कमेटी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सके। अभी आपको जो खाड़िक इंस्टीट्यूट का जो शोशा छोड़ा जा रहा है, बंदरों की तरह उछल उछल के उसकी कहानियां बताई जा रही हैं।